पूर्व विधायक एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मारकंड के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात स्टाफ को मां नैना देवी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। रणधीर शर्मा ने बीएमओ मारकंड डॉक्टर श्याम वर्मा, एमओ इंचार्ज डॉक्टर अनुपमा, वार्ड सिस्टर, स्टाफ नर्स, आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर सहित पूरे स्टाफ को पुष्प एवं मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर रणधीर शर्मा ने इन कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा भी की। रणधीर शर्मा ने इन योद्धाओं से कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने आपको कोरोना योद्धा की संज्ञा दी है, आप सब लोगों की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। कोरोना वायरस को लेकर जहां सभी लोग अपने घरों में बैठे हैं, वहीं आप लोग इस वक्त अपने परिवार को छोड़कर अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, जिसके लिए आपका आभार व्यक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के सम्मान में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना के विमानों से आप पर पुष्प वर्षा करके आपका आभार व्यक्त करें। तो वहीं भाजपा ने भी ये फैसला लिया है कि कोरोना योद्धाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाए। इसी कड़ी में आज आप लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। हमारा मानना है कि कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी, विशेषकर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, फील्ड स्टाफ जैसे आशा वर्कर्स, ये सब फ्रंट लाइन पर जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर हम सब लोगों की सेवा में लगे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें कोरोना योद्धाओं की संज्ञा दी है और निर्देश दिए है कि हम सब इनका सम्मान करें, इनका धन्यवाद करें। उसी निर्देशानुसार हमने अपने इस नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हर स्वास्थ्य संस्थान में जाकर वहाँ काम कर रहे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें स्टाफ नर्सिस, फार्मासिस्ट, आशा वर्कर्स, और जहाँ आशा वर्कर्स नहीं वहाँ आंगनबाड़ी, ऐसे जो भी लोग इस अभियान में लगे हैं उन सबको माँ नैना देवी जी के चित्र सहित जो मोमेंटो है वो भेंट किया है, उनका मान सम्मान किया है ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो आगे आने वाले समय में और लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करें। मैं यही कामना करता हूं कि माँ नैना देवी इन कोरोना योद्धाओं को स्वस्थ रखे और इनकी मेहनत से और माँ नैना देवी के आशीर्वाद से हमारे इस क्षेत्र की जनता, प्रदेश और देश की जनता भी सुरक्षित रहे और हम कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही इस जंग को जीत सके।